चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शह और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल, जानिए और पहचानिए आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में अब प्रचार जोरों शोरों से शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव का ये जो उत्सव है उसमें सहभागी होने के लिए देश के नागरिक भी तैयार हैं। फिलहाल मैं वडोदरा के ओल्ड सिटी में खड़ी हूँ, जिसे न्याय मंदिर, गांधीनगर गृह के रूप में, प्रताप टॉकीज के रूप में हम जानते हैं। और वडोदरा का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसने इस इलाके से खरीदारी नहीं की होगी। त्योहारों का माहौल है और बाजारों में भीड़ भाड़ है। वैसे वडोदरा के इस इलाके में हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है। उन्हीं में से कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिरकार वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और सरकार बनाने की ये जो मुहिम है, ये जो उत्सव है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए कितने तैयार है। विधानसभा चुनाव का माहौल है और देश के नागरिक क्या सोचते हैं ये जानते हैं। मंगल बाजार में प्रवेश करते हैं जहां लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये पूरी लेन वडोदरा की काफ़ी ऐतिहासिक लेन मानी जाती है और यहां हर तरह की वस्तुओं की खरीदारी के लिए पूरा वडोदरा शहर उमड़ पड़ता है। क्या बड़े तबके के लोग या क्या छोटे तबके के लोग, अमीर गरीब हर कोई यहाँ खरीदारी के लिए आता है, क्योंकि ये बाज़ार ही ऐसा है जहाँ सब कुछ मिलता है। कुछ व्यापारी हमारे साथ है। लोकसभा चुनाव का माहौल है और फिर एक बार हमें वोट करना है, क्या सोच रहे हैं? जो है करना तो है ही, और कोई ऑप्शन है नहीं। चाहे कोई भी लड़े, कुछ भी करे, आने वाला तो वही है। मोदी को लाएंगे, उसी को बुलाएंगे, और कोई तो लाना ही नहीं है। मोदी सरकार की कौन सी योजनाओं से खुश है, क्या लाभ मिला है और क्या सुधार चाहते हैं सरकार से, और क्या मांगे हैं आप? मोदी ने जो 10 साल में किया है, शायद और मौका मिलेगा तो और भी अच्छा करेंगे। और इसमें काफ़ी कुछ सुधार, काफ़ी कुछ बदलाव। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, गार्डन्स देख लीजिए, ये सब तो उसी का ही है ना। आ जा तू दे दे, हाँ। तो और भी फायदे होंगे ही होंगे, और कोई मैं नहीं समझता उसके कंपैरेटिवली है अभी इस समय। बाकी तो सब पॉलिटिक्स है। व्यापार धंधे में कितना फ़ायदा हुआ, किस तरह का व्यापार है, इन 5-10 सालों में क्या फ़र्क आया है पिछले सालों के मुकाबले? व्यापार साफ़ सुथरा हुआ है, सेफ्टी है, अच्छा है, सिक्योरिटी है, और काफ़ी अच्छे सुधार है। ऐसे कोई व्यापार में कोई नुकसान नहीं है। जो इसको भरना है, जो देश की तरक्की चाहता है, वो टैक्स वैक्स सब भरता है। जिसको नहीं भरना है वो तो बोलेगा बुरा है। तकलीफ़ तो हर एक को होती है शुरुआत में, जब भी कोई चीज़ बनती है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन उसको बेस करके उसके आगे बनते तो उनके भविष्य, उनके बच्चे खुश हो जाते, उनके लिए कुछ है, वो चीज़ है, तो अच्छा ही है। चलिए कुछ और नागरिकों के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं सरकार बनाने को लेकर। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे ठेले चलाते हैं, उनकी क्या उम्मीद है सरकार को? फिर एक बार वोट करने की बारी आई है, सरकार चुननी है, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? सरकार को ही वोट देगा। मोदी सरकार को वोट देंगे, क्यों मोदी सरकार पसंद है? बहुत सुविधा कर रहे हैं ना सब लोग। किस तरीके की सुविधा? किसी का रूम नहीं, रूम दिलाता है, सब सुविधा बहुत सारे किया है। आपको घर मिला है? मिला है ना। और बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या है, प्राइवेट में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। और क्या सुविधाओं का लाभ मिला है? सबको बहुत लाभ मिला है ना, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है सब। और क्या चाहिए आपको, और आगे क्या चाहिए? मोदी सरकार ही चाहिए। सरकार से क्या चाहिए, कुछ उम्मीदें हैं कि ये होना चाहिए या व्यापार में ये सुधार होना चाहिए? व्यापार में तो सुधार होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा या जीएसटी में थोड़ा कम होना चाहिए। टैक्स जो है, जीएसटी टैक्स है, उससे कोई फर्क पड़ा है छोटे व्यापारी को? छोटे व्यापारी को तो फर्क पड़ेगा ना, तो बड़े बड़े होलसेल को व्यापारी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीएसटी टैक्स में बदलाव के बारे में कुछ सोचा है? बदलाव होएगा तो अच्छा है। सरकार से मांग करेंगे कि जीएसटी टैक्स में कुछ बदलाव होना चाहिए? होना तो चाहिए, इतना तो जरूरी है, ये सब महंगाई बढ़ते जाते हैं तो इतना तो चाहिए। जीएसटी का जो स्लैब है उससे छोटे व्यापारी को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, और ऐसे में अगर जीएसटी स्लैब में छोटे व्यापारियों को थोड़ी सी रियायत दी जाए तो छोटे व्यापारियों को अपने रोज़गार में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। छोटे ठेले वालों से हम बात करते ही हैं, दुकान वालों से जानते हैं कि आखिरकार सरकार से उनकी क्या चाह है। भैया फिर एक बार चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच है सरकार को लेकर? अच्छा है। अच्छा है, क्या बदलाव चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे आने वाले 5 सालों में, और क्या होना चाहिए व्यापारियों के लिए?
आम लोगों की इनकम बढ़े तो वो खर्चा करेगा और दुकान चलेगी, नए लोगों को रोजगार दे, रोजगार आएगा तो फिर वो खर्चा करेंगे ना, घर कैसे चलाएंगे। जो टैक्स इत्यादि में जो बदलाव हुआ है, अब GST आया है, क्या उससे व्यापारियों को कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्या व्यापारियों को सुविधा दे सकती है सरकार, अब जब फिर एक बार सरकार आपकी चुनने बनने जा रही है, आप जो चाहेंगे उन्हें वो सरकार बनेगी, क्या मांग रखते हैं सरकार से? नहीं, गलत कुछ भी नहीं किया है अभी तक। मेरा तो एक ही सुझाव है कि भाई रोजगारी बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपको लगता है कि अभी रोजगार कम है देश में, चाहिए उसके मुकाबले? नहीं है, रोजगारी नहीं है, रोजगारी बढ़नी चाहिए। नई इंडस्ट्रीज आएगी, बाहर के लोग आएंगे, बसेंगे तो मकान भी बिकेंगे या किराए से भी देंगे, और वो आदमी यहाँ खर्चा करेगा तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो सेक्टर है वो भी प्राइवेट होते जा रहे हैं, क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे? प्राइवेट सेक्टर होने से अच्छा ही है, बुरा कुछ भी नहीं है, काम तो होगा ढंग से। लोकसभा चुनाव का माहौल है, फिर हमें सरकार बनानी है, कैसी सरकार पसंद करेंगे और सरकार से क्या चाह है आपकी, क्या चाहते हैं? और सरकार से हमको खाली इतना ही है कि मोदी आवे बस, उसके सिवा कोई और हमको चाहिए नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। क्या पसंद है मोदी में, क्या फायदा हुआ आप मोदी से आपको? मेरे को मोदी से बहुत सारे फायदे हुए, ये रोड रास्ते, कोई जगह पे लाइन पे नहीं खड़े रहने का, कोई मगजमारी तो नहीं। रोड रास्ते वडोदरा के अच्छे हैं? अच्छे ही है ना मैडम, ट्रैफिक तो बहुत होता है रोज, ट्रैफिक तो भी रहेगा ना मैडम, बस्ती भी इतनी है। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री आते हैं कि बोलते हैं कि वडोदरा का विकास नहीं हुआ है, वो तो पागल इंसान है, उसको क्या मालूम पड़ेगी। अच्छा। हमने देखा है विकास, तभी तो हम बोलते है उनके। हाँ, पिछले 20-25 साल पहले क्या माहौल था वडोदरा का और अब क्या माहौल है? अभी आप खुद को मालूम पड़ जाएगा ना मैडम, आप भी रहते हो वडोदरा के अंदर ही रहते हो ना आप, तो आपको भी मालूम होना चाहिए 20 साल पहले क्या था अभी क्या है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्यापार में रोजगार में क्या फर्क है? व्यापार में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, सब बढ़ गया है व्यापार, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। चलिए, आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से? डॉक्टर हेमंत जोशी। हेमंत जोशी को वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है ना, भाजपा पे कोई भी खड़ा रहेगा उसको वोट हो जाएगा मैडम। वडोदरा का माहौल यही है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी खड़ा रहेगा उसे जरूर वोट मिलेगा, क्योंकि मोदी से काफी प्रभावित है वडोदरा की जनता। 5 साल के लिए फिर एक बार सरकार बनानी है, क्या सोचते हैं सरकार बनाने को लेकर? वापिस भाजपा को ही सोच रहे हैं, वापिस नेक्स्ट टाइम भी भाजपा ही आनी चाहिए, भाजपा आई तो अभी अच्छा है सब बात से। अच्छा। सब मार्केट भी अच्छा है, सब बात से शांति है, लड़ाई झगड़े भी कम हो रहे हैं, सब बातचीत कम हो रही है। पहले क्या दिक्कत थी, 10-20 साल पहले की अगर बात करें, क्या समस्या, क्या दिक्कतें थी जो अब सुलझ गई है? अभी मोदी आने के बाद सब बातचीत अच्छा है, सब व्यवस्थित है, मोदी ने कितने आगे निकल डाला, सब नोटबंदी करवाया, सब मनी केस बाहर करवाया, सब भाजपा सरकार में मोदी आने से बहुत बढ़कर है। नोटबंदी के बाद जो तकलीफ आई थी वो तो व्यापारियों को ही आई थी? व्यापारी को आई लेकिन अभी उसमें भी अच्छा ही करा ने मोदी ने, अच्छा ही बिचारा ने कि भाई नोटबंदी करवाई, सब काले बाजार में से बाहर निकल गए, सब छुपाई ली नोटा बाहर निकल गए। GST को लेकर व्यापारियों का काफी विरोध था, क्या GST का मामला अब सेटल हो गया, समझ में आ गया सबको? सब कुछ समझ में आ गया, अभी GST इतने कैसा फायदा हो गया है, सब कुछ चलाया करते हैं अभी तो। व्यापार कैसा है अब? अभी मार्केट ईद के हिसाब से थोड़ा अच्छा है, बाकी अभी मंदी चल रही है। मंदी चल रही है तो बाजार में तेजी आने के लिए क्या कर, सरकार से क्या मांगे, क्या करना चाहिए? अद्दर लाने के लिए चाहिए, शेयर बाजार आपो आप अद्दर आएगा, आपो आप अद्दर मार्केट में पैसा घूमेगा तो आपो आप पब्लिक के पास रुपया आएगा तो खर्चने वाला है। ना सिर्फ भारत में चुनाव है, विश्व के 56 देशों में चुनाव हो रहे हैं, और जब चुनाव होते हैं तब कहीं ना कहीं जो मसले होते हैं उसकी वजह से शेयर बाजार ऊपर आता है, सोने चांदी के दाम जो है वो ऊपर आए हैं, उसकी वजह से मार्केट भी अप चल रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है, और जो आम नागरिक होते हैं, जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है। मंगल बाजार के कुछ और व्यापारी हमारे साथ है, वो आखिरकार क्या सोचते हैं सरकार को लेकर? भैया, कैसी सरकार चाहिए, सरकार को लेकर क्या सोच है? हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के बारे में समझे और फिर वोट करे। हमको मोदी की सरकार चाहिए, हमको मोदी चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। क्यों मोदी चाहिए? उसका डेवलपमेंट बहुत है,
उसने बहुत सब कुछ करा गुजरात के लिए और देश क्या करा लिए? क्या करा गुजरात के लिए? विकास बहुत करा है उसने देश के लिए। किस तरह का विकास किया? विकास ऐसा भी करा है कि हॉस्पिटल बनाया लोगों को, गरीब आए को लोगों के, ये मेहता अहमदाबाद में कितना बड़ा हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए फुल सुविधा है वहाँ पे। एसएससी हॉस्पिटल पे जाते हैं आप? जाते हैं, वहाँ पे भी फुल सुविधा है, ऐसा नहीं की नहीं है। वहाँ पे ईएम मेहता सबसे बड़ा ईएम मेहता हॉस्पिटल, हार्ट का स्पेशल डॉक्टर के। वडोदरा में बड़ी हॉस्पिटल और होनी चाहिए? होनी चाहिए। कैसी कैसी हॉस्पिटल चाहिए जहाँ ईएम मेहता है ऐसा यहाँ पे बड़ोदरा में भी होना चाहिए? अच्छा ठीक है। स्कूल्स के बारे में क्या सोचना है? वडोदरा में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल अच्छे हैं या बच्चे प्राइवेट में ही पढ़ रहे हैं? नहीं, सरकारी स्कूल अच्छी है। कौन कौन से सरकारी स्कूल देखे हैं आपने और पसंद है? मेरे को सभी सरकार की सभी स्कूल में पसंद ही है, ऐसा नहीं कि एक स्कूल नहीं, सभी स्कूल अच्छी लगती है। चलिए, शिक्षा में और क्या सुधार होना चाहिए? कुछ सुधार नहीं, बराबर मोदी सरकार चल रहा है उसके लाइन पे बराबर ही चल रहा है वो मोदी सर। और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सब आंतरिक कलह सामने आ रही है, गुटबाजी सामने आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? वो तो सब झूठे ही है, खाली मोदी सही है, खाली मोदी सही है, बाकी कोई खाली मोदी के नाम पर वोट करेंगे? हाँ, मोदी ही चाहिए हमको बस, दूसरा। मोदी 72 साल के हो गए, 2-5 साल बाद मोदी नहीं होंगे फिर? योगी दादा आएंगे ना, बुलडोजर दादा आएंगे, बुलडोजर। चलिए, हाँ, नितिन गडकरी, बहुत सारे ऑप्शन। और कौन से ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी? पहले योगी जी है, बहुत सारे ऑप्शन है, बीजेपी में भर भर के बड़े हुए, एक से एक बड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ सीधा आम नागरिक को मिल रहा है, अपने जैसे लोगों? आप हॉस्पिटल में देखो, एजुकेशन में देखो, आप हर एक फील्ड में देखो, अभी जैसे हर्बन हेल्थ सेंटर खोल रहे हैं, यानी सबको सर्विसेज मिल रही है। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे अभी तो 1.5 साल के, तो अभी नहीं नहीं है। क्या सरकारी स्कूल में डालेंगे कि प्राइवेट में डालेंगे? मे बी डिपेंड्स है हमारे घर वालों के ऊपर, अभी तो प्राइवेट में डालेंगे। अभी अगर बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं? अभी मेरी मम्मी का ऑपरेशन हमने करवाया था गोत्री में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, A1 सर्विस, यानी प्राइवेट से भी अच्छा था, प्राइवेट से भी अच्छा था। यानी आप लोगों को कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल का लाभ लेना चाहिए? हाँ, स्कूल्स में अभी फिर भी थोड़ा कम है, पर हॉस्पिटल में बहुत आगे। अभी जैसे आप वो देखो कार्ड मिलता है वो 5 लाख का, अभी 10 लाख हो गया है, तो यानी बहुत सारी यहाँ पे सर्विस उपलब्ध है यहाँ पे गुजरात। लेकिन सूरत और अहमदाबाद के मुकाबले काफी विकास पीछे है, बड़ौदा काफी पीछे, क्योंकि सूरत में ना पूरा कपड़ा है और उसके बाद डायमंड है, तो वो तो उसको वरदान मिला हुआ है। हाँ। और अहमदाबाद भी आ गई है, बड़ौदा थोड़ा पीछे है इन चीज में। बड़ौदा को आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा? बहुत सारी चीज है, जैसे अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है बड़ौदा, बस इनके टक्कर में नहीं आ पाएगा बड़ौदा, पर आगे ग्रोथ करेगा धीरे धीरे, ऐसा करेगा। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपसी लड़ाई में ही पीछे रह जाती है ऐसा लगता है? पर ही जैसे अभी देखो कैंडिडेट चुनने में इनको अभी थोड़ा वो हो गया, प्रत्याशी अभी हो गया, तो अभी थोड़ा तकलीफ पड़ रहा है उनको, अभी सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं अभी भी, किसको बनाए बड़ौदा का लोकसभा का उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी की जो कलह है वो तो एक साइड है, लेकिन लोगों का जो झुकाव है वो मोदी सरकार की ओर है, बहुत सारी विकास योजनाओं से प्रभावित है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले वैसे बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है और सिर्फ एक नाम पे वोट करना चाहते हैं और वो है नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र के उत्सव में हर नागरिक को शरीक होना है और फिर एक बार सरकार बनानी है, आपकी राय क्या है इस पर? भाजप। भाजप क्यों? भाजप अब सब कुछ दिख रहा है और पहले तो देश सुरक्षित होना चाहिए, फिर घर का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेंगे कहीं ना कहीं। देश सुरक्षित है आपको ऐसा लगता है? जी ऑफ कोर्स, पहले से तो काफ़ी बेटर है। अखबारों में बहुत सारी चीज़ें छप रही, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे में देश कैसे सुरक्षित? ये सब अपनी अपनी सोच है, इसके लिए मैं कोई बोल नहीं सकता, बाकी तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट है वही बेस्ट है। आप एक व्यापारी हैं, आपको मोदी क्यों पसंद है? आपको मोदी जी की कोई योजना का लाभ मिला हो? नहीं, कोई लाभ तो नहीं मिला है, लेकिन उनकी जो काम करने की क्षमता, देश की तरक्की, आज हमारा देश कहाँ पे है, पहले कहाँ था, और महंगाई और ये सब तो आना जाना है, उसके लिए तो पॉपुलेशन जवाबदार है, तो पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगी, और मानो एक फैमिली है हम सब एक देश मिलके, किसी को थोड़ा कम किसी को ज़्यादा, लेकिन एक सही नेता चाहिए जो उसको मतलब समझो ना कि मैनेज कर सके, बोले ना सलार या। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले सालों में भारत को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनानी है उसमें कामयाब हो? उसके लिए तो मैं इतना श्योर, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, अपने नागरिक की सुरक्षा, वो बहुत ज़रूरी लगती है। हाँ, अंदर के जो भी मैटर है वो हम लोग मिल के सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है कि पीछे आ रही है? ओके, ऑफकोर्स आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। आप जैसे व्यापारी अब पहले जो मुनाफा करते थे क्या अब उससे ज़्यादा मुनाफा? ऑनलाइन बिजनेस की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अब उसमें क्या कर सकते हैं, सबको अब कमाने का मौका दिया जाता है,
कम ज़्यादा चलता रहता है, ये समंदर का प्रॉब्लम है। मंगल बाजार के एक और व्यापारी से पूछते हैं कि आखिरकार सरकार को लेकर उनकी सोच क्या है, क्या सोचते हैं, अब फिर एक बार हमें वोट करना है, कैसी सरकार चाहिए, सरकार से क्या मांग है जब 5 साल के लिए फिर एक बार नई सरकार बनने वाली है। सरकार से बस वही है कि थोड़ा बहुत ये एरिया को थोड़ा मेंटेन रखे, थोड़ा गंदगी हो रही है, जो पत्थरें लग रहे बाहर जो, तो वो हम लोग हमारे जैसे स्टोर बड़े स्टोर वाले नहीं चाहते, तो उसका थोड़ा करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वडोदरा का डेवलपमेंट, उस पर सवाल उठ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे कैसे होगा वडोदरा का विकास? आई थिंक कम्पेयर टू सूरत एंड अहमदाबाद, बड़ौदा का डेवलपमेंट पे सरकार को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। सो कंपेयर जैसे बड़ौदा भी उतना ही महत्वपूर्ण है और गवर्नमेंट को एक्शन उसके लिए जरूरी है लेना पड़ेगा। केंद्र में मोदी की सरकार, सेंट्रल में मोदी की सरकार और वडोदरा में भी मोदी की सरकार, फिर भी वडोदरा 25 सालों से, यहाँ 25 सालों से सरकार है, फिर भी वडोदरा कहीं ना कहीं पीछे है। आपको लगता है मोदी सरकार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली मोदी सरकार को काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। अभी तो पिछले 5 साल ही हुए, आगे वाले 5 साल भी होपफुली मोदी जी ही रह गए। अच्छा किया है उन्होंने, बट जितना और चाहिए काम, और उनसे उम्मीद ज़्यादा है। व्यापारियों के लिए क्या हो सकता है, टैक्स वगैरह जो लिए जा रहे हैं उसमें? टैक्स वगैरह में आप देखिए तो अभी जैसे MSME का अभी रूल आया है, थोड़ा जो कुछ कुछ रूल्स इट्स लाइक थोड़ा वो कुछ जल्दी ले रहे डिसीजंस, और उसके लिए कपड़ों वालों के लिए थोड़ा एक्टिव रहता है, बट होपफुली आई थिंक कि वो भी बेटर ही है, कुछ सोच के लिया होगा मोदी जी ने, तो अच्छा ही रहेगा आगे चल के भी। चलिए, व्यापारियों को जो परेशानी आ रही है उस पर यहाँ फोकस करने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो छोटी छोटी दिक्कतें आ रही है अगर उससे राहत दी जाए तो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में ये व्यापारी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारियों को सरकार से क्या चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है, और मैं वडोदरा के न्याय मंदिर इलाके में खड़ी हूँ। फिर एक बार सरकार बनानी है हमें, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, कैसी सरकार आपको चाहिए? अब सरकार ऐसे चाहिए, धंधा पानी होए, करने दे, होए हैरान न करे, तो बड़े जाओ क्या। अभी क्या क्या परेशानियां आपको आती है? परेशानी तो अभी नहीं है, धंधा पानी चलता है धीरे धीरे। कॉर्पोरेशन बार बार आपके ठेले उठा लेती है? अभी बंद है, हाँ 8 या 15 दिन से, क्योंकि आते हैं हैरान करते हैं। सोचते हैं सरकार के बारे में, ये जो सरकार है वो ही चाहिए या सरकार और कोई बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार तो अच्छे है, बाकी क्या हैरान ना करे और क्या। हाँ, सरकार की कोई योजना का लाभ मिला है आपको? हमको लाभ क्या मिलेगा, धंधा करते हैं, कमाते खाते हैं। कभी लोन मिला, कभी घर मिला? हाँ, घर मिला है। हाँ, उसकी किश्तें चुका दी आपने? अभी तो घर वगैरह भरते हैं, लाइट भी भरते हैं, रहते हैं। और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यही पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कि प्राइवेट? प्राइवेट में है, सरकारी में है। और सरकार की कोई और योजना का लाभ मिला हो आपको? कुछ मिला नहीं है, नहीं। मकान में रहते वही, मकान के तो पैसे लिए ना। हाँ, घर बेरा भरते हैं, क्या बोले, लाइट भी भरते हैं। कितनी कमाई हो जाती रोजाना? हो जाओ 300-500 धंधा के ऊपर है। किसे वोट करेंगे? अब देखो क्या होगा, जिसको करेंगे जो नजर में आएगा वो। अभी प्रचार वचार चल रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ से? अभी नहीं आते, अभी कोई नहीं आया है। हाँ, अभी नहीं आया। यहाँ कौन कौन खड़ा है पता है आपको? अभी तो मैं तो अंगूठा छापूंगा, और अभी देखो दो सरकार चल रही है, दो जाओ क्या। यहाँ यूपी से आए हैं और छोटे छोटी वस्तुओं का ठेला चलाते हैं, और सरकार से बहुत सारी चाह है उनकी कि कुछ ना कुछ बदलाव हो ताकि सरकार को जो है कहीं ना कहीं फायदा है। कुछ और नागरिक हमारे साथ, सरकार फिर से बनानी है, वोट करना है, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? हमको बीजेपी की सरकार चाहिए। क्यों बीजेपी की सरकार, क्या पसंद है बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार में अच्छा है, काम भी अच्छा होता है और सुविधा भी अच्छी होती है और सब कुछ मिलता है हमको। क्या काम अच्छा हुआ है, आपको क्या फायदा हुआ? फायदा सब कुछ होता है, हर चीज में कोई दखलगिरी नहीं होती है। आप कहाँ से हैं? हम जयपुर से। अच्छा, लेकिन वडोदरा में कितने वक्त से रहते हैं? 25 साल से। यहाँ आपकी दुकान है? नहीं, दुकान नहीं है, ठेला है हमारा। कोई परेशानी आती है व्यापार करने? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बार बार कॉर्पोरेशन ठेले उठा देती है कभी कभी?
नहीं नहीं कभी कभी उठाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। आपको लगता है स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी होनी चाहिए वडोदरा में? हाँ वो ठेले वालों को भी जगह मिले। हाँ जगह होनी चाहिए। मेहुल वंजारा है और यही ठेला चलाते हैं और सरकार से मिली जुली उनकी राय है। अंकल जी फिर एक बार सरकार बनानी है, सबको वोट करना है, लोकसभा का चुनाव है, क्या सोचते हैं आप सरकार के बारे में? बस सरकार तो मोदी सरकार ही आएगी भाई। क्यों मोदी सरकार आएगी? उसमें सलामती है इतनी कितनी है, जो आप औरत है लेडीज है घूम सकती है, किधर भी रात को नहीं घूम सकती, इधर घूम सकते हैं, मोदी की प्रताप है। हाँ आपको दूसरा कुछ नहीं, अपनी सलामती बहन बेटी। आपको पता है रिपोर्ट ADR की है कि देश भर में रेप बढ़ रहे हैं, ये भी सरकार में ही हो रहा है। हाँ तो होने दो ना, वो तो उसका तो बहाना नहीं, लोग की कमाई भी बढ़ गई है तो खर्चा होना ही है। सलामती जो ये आनंद जो ये जो कितने उल्लास में लोग हैं सब, इतनी भीड़ कहाँ मिलती है, सबके पास जेब में है पैसे तब घूमते हैं लोग, बिना पैसे कोई घूमेगा? वो मोदी सरकार में ही पॉसिबल है। सोने का भाव कितना है? 75,000 होने वाला है, 773,700 वो मोदी के राज में होता है। जिसके पास 10-16 तो कितने हो गए? तो अभी सोना खरीद नहीं सकते ना, लेकिन नया जिसके पास है वो तो माला माल हो गया ना। क्या करते क्या है आप? मैं रिटायर्ड हूँ। मैं करते थे पहले था संदेश प्रेस में मैनेजर था 30 साल। हाँ उधर तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, पिछली सरकार भी देखी। वडोदरा का हालत कितने बदले है? बदला हुआ है, अभी क्या है चौमेर बस्ती मिक्सिंग हो गई है, पर प्रांत की ज्यादा है, एम क्लास ज्यादा बढ़ गई है, इसमें सलामती का पर इधर मोदी के डर से कुछ होता नहीं है। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वडोदरा का विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, विकास नहीं होता तो कोई इतने घूमता है भीख मांगते सब एक दूसरे का गला पकड़ता हो गए मोदी के राज। और क्या चाहिए, और वडोदरा में क्या होना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए? वडोदरा में सब की खुशहाली है, बस सब खुश रहे, मिलजुल के रहे, प्रेम से रहे, आनंद से जिए, बस वही चाहिए। तो ये है वडोदरा के मतदाताओं की प्रतिक्रिया, ज्यादातर सब मोदी सरकार से खुश है, थोड़ी बहुत जो भी दिक्कतें हैं उसे अच्छा करने की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वोट आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में डालने की बात कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी समस्याओं से देश जूझ रहा है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार की कमी है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन बात जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है नरेंद्र मोदी। वियतनाम टीवी को आप YouTube पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वियतनाम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। Facebook पर हमें देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, ये ऐसी बातें हैं जो हर घर तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वियतनाम टीवी को 2400 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वियतनाम, जुड़े रहिए वियतनाम के साथ। नमस्कार। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शह और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल, जानिए और पहचानिए आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत।